नमस्कार दोस्तों दोस्तों हम लोगों की जीएस के प्रश्नों की जो सीरीज़ चल रही थी उसी सीरीज़ में अभी तक हम लोगों ने 12 पार्ट देख लिए थे। और इसमें जैसे घटनाचक्र की जो सीरीज़ें हैं प्रश्नोत्तरी की, तो उसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, तो इस तरीके से सर्कुलर फॉर्म में आप लोगों को जो आए हुए प्रश्न हैं उनका और एक्सप्लेनेशन का चीज़ें मिलती हैं। तो आपको क्या करना है प्रारंभिक परीक्षा के लिए, यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2022 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो भी प्रश्न आप लोगों को दिए जा रहे हैं उनको आप लोग पीडीएफ के माध्यम से चीज़ों को बार बार रिवीजन करिए, अच्छे से चीज़ों को पढ़िए, ठीक है। और इसकी पीडीएफ जो है आपको यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के ग्रुप में आप लोगों को मिल जाएगी। आज का जो अभी शाम तक आप लोगों को जो है आंसर राइटिंग का वीडियो भी मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। यह 13 नंबर पार्ट है और इकोनॉमी के बहुत सारे प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो जैसे देखिए, जो एक क्वेश्चन है 274 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि बाजार या ई नैम से संबंधित है, ठीक है। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट जो है तो उसके बारे में संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो अन्य चीज़ें हैं, कभी वन लाइनर में चीज़ें पूछी जा सकती हैं या दो स्टेटमेंट देके। तो इस तरीके से जो भी चीज़ें हैं वो कम से कम आपकी सही रहें, अच्छे से प्रश्न हो जाए इसके लिए, ठीक है। तो राष्ट्रीय कृषि बाजार से संबंधित है, देखिए इसकी शुरुआत जो है 14 अप्रैल 2016 को करी गई थी ई नैम की। यह है क्या, एक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है और इस पोर्टल के माध्यम से जो कृषि है, ठीक है, फसल है, फसल या उपज का बेहतर मूल्य मिल सके, तो ये जो राष्ट्रीय कृषि बाजार है उसकी शुरुआत की गई है। जिन्सों पर भी पारदर्शी व्यापार हो सके इसके लिए यह प्लेटफॉर्म क्या है कि जैसे जो मंडियां होती हैं मंडियों की जगह पर यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से जो फसलें हैं वो क्रय विक्रय की जाती हैं, ठीक। आइए 275 नंबर क्वेश्चन है आपका, मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम की बात कर लेते हैं। इस पर भी प्रश्न पूछा जा चुका है, अब आगे भी पूछे जाने की संभावना है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ठीक है। देखिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम की बात करते हैं। शुरुआत जो है 19 फरवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी सूरतगढ़ राजस्थान से, ठीक है। नारा क्या था, स्वस्थ धरा खेत हरा, तो यह इसका नारा था। कभी कभी नारा भी पूछ सकता है तो इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। किसानों को मृदा गुणवत्ता के प्रति जागरूक करना इसका मुख्य उद्देश्य है। उर्वरकों का अति प्रयोग रोकना, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम के तहत की जाती हैं। अब जैसे अगला क्वेश्चन जो है सुमेलित करने वाला था क्रांतियों के बारे में, कि जैसे हरित क्रांति का संबंध किससे है, खाद्य उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। भूरी क्रांति का जो संबंध है उर्वरक उत्पादन से है। और पीली क्रांति का तिलहन उत्पादन से है। लाल क्रांति का उत्पादन मांस या टमाटर से संबंधित है, ठीक है। 277 नंबर क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन जो है, सहकारी कृषि के विचार के समर्थक कौन से व्यक्ति थे, तो ये आपके चरण सिंह थे, ठीक है। 268 नंबर क्वेश्चन है, भूमि सुधार में क्या क्या चीज़ें सम्मिलित होती हैं, तो इसी तरीके से प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। एक चीज़ ऐसी थी जो नहीं पूछी गई थी, तो जो पूछी गई थी वही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो जैसे देखिए, भूमि सुधार में जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, भूमि जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण और काश्तकारी सुधार, तो ये तीनों के तीनों सुधार जो हैं भूमि सुधार के अंतर्गत आते हैं। आइए 289 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पट्टेदारी सुधार उपाय कौन कौन से हैं, तो इसमें लगान का विनियमन करना, अवधि की सुरक्षा, जो पट्टेदारी की अवधि होती है तो उसकी सुरक्षा, और पट्टेदारी पर स्वामित्व की घोषणा। तो ये तीनों के तीनों जो हैं भारत में पट्टेदारी सुधार के उपाय हैं। अगले क्वेश्चन जो है 280 नंबर क्वेश्चन है, गेहूं की सिंचाई हेतु अति क्रांतिक अवस्था कौन सी होती है, तो वह होती है आपके ताज निकलने की अवस्था। क्या होती है, ताज निकलने की अवस्था। 281 नंबर क्वेश्चन है, काली मिट्टी उपयोगी होती है किस फसल के लिए, तो ये कपास की फसल के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होती है। ये मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, ये गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में पाई जाती है। 282 नंबर क्वेश्चन है आपका, कास्ट हलों के स्थान पर इस्पात के हलों का उपयोग जो है क्या दर्शाता है, तो यह पूंजी बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकी की प्रगति को दर्शाता है। 283 नंबर क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में ऋणात्मक विकास हुआ,
तो यह जो विकास हुआ था, यह तीसरी पंचवर्षीय योजना जो कि 1961 से 65 तक चली थी, तो उसी के अंतर्गत यह तीसरी पंचवर्षीय योजना में ऋणात्मक वृद्धि थी। ठीक है, आइए अगले जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। 284 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय कृषि के निम्न उत्पादकता के कारण कौन कौन से हैं? तो इसमें देखिए, जनसंख्या दबाव है, प्रचंड बेरोजगारी है और भूजोत का आकार छोटा होना, ये तीनों के तीनों कारण हैं भारतीय कृषि के निम्न उत्पादकता के कारण है। ठीक है, 285 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व, तो कृषि का महत्व बस राष्ट्रीय आय में भी है, जो हमारे यहाँ जो नेशनल इनकम है उसको बढ़ाने का प्रयास करता है, रोजगार के अवसर सृजन करता है, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सहयोग करता है और खाद्यान्न की आपूर्ति करता है। तो ये सारी की सारी जो हैं चीज़ें हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व से संबंधित हैं। 286 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत में कृषि आयकर लगाया जाता है, तो किसके द्वारा? राज्य सरकारों के द्वारा कृषि आयकर लगाया जाता है। 287 नंबर क्वेश्चन है, नकदी फलों से संबंधित, सॉरी फसलों से संबंधित है, जो नकदी फसलें होती हैं और खाद्यान्न फसलें होती हैं, तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कौन सी नकदी फसल है, तो प्रश्न इसी तरीके से बना था। खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी होती हैं? चावल हो गया, गेहूं हो गया, मोटे अनाज हो गया, दलहन हो गया, तो ये सारी की सारी जो हैं खाद्यान्न फसलें हैं। नकदी फसलें कौन कौन सी होती हैं? नकदी फसलें जो हैं इनमें तिलहन है, मूंगफली है, रेपसीड है, सरसों, कपाट, जूस, मिस्ता, चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, तंबाकू, आलू, तो ये सारी की सारी जो है नकदी फसलें, बहुत बार पूछा गया है इस तरीके से प्रश्न। अब 288 नंबर क्वेश्चन है, काली क्रांति का संबंध किससे है? तो काली क्रांति का संबंध जो है कच्चा तेल उत्पादन से है। ठीक है, 289 नंबर क्वेश्चन है, विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना का उद्देश्य क्या था? तो यह उद्देश्य था कृषि निर्यात का संवर्धन करना। ठीक है, अब देखिए, एक आई थी फसल बीमा योजना, सबसे पहले प्रारंभ की गई थी 1985 में, 1985 में 1 अप्रैल 1985 को प्रथम प्रयास था आपका फसल बीमा योजना का, खरीफ की फसल से इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, और एक आई थी आपकी राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कृषि मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी 1999 और 2000 में, रबी मौसम की फसल से। ठीक है, उद्देश्य क्या था कि जैसे सूखा, बाढ़, ओला, वृष्टि, चक्रवात, आग, कीट, इन सबसे फसलों का संरक्षण करना। ठीक, 292 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना को लागू की गई, तो किस वर्ष लागू की गई? 1992 में। ठीक है, बहुत बार ये प्रश्न, जैसे होता क्या है कि एग्जाम हॉल में आपके प्रश्न जो आए हुए प्रश्न होते हैं वो जब गलत होते हैं या चीजें कंफर्म नहीं होती हैं तभी ये चीजें दिक्कत करती हैं, तो कंफर्म करने के लिए बार बार आप लोगों को रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करेंगे तभी चीज़ें कंफर्म होंगी। 293 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जो है इससे संबंधित है, प्रश्न पूछा गया था, और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जो है 2007 में शुरू की गई थी, इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? तो आपके मिट्टी का परीक्षण प्रयोगशाला, उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला, कृषि यंत्र परीक्षण प्रयोगशाला और कृषि अभियांत्रिकी प्रयोगशाला, तो ये सारी की सारी चीज़ें राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत आती हैं। और 294 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हार्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? तो ये आपका 5 मई 2005 में शुरू किया गया था और 10वीं पंचवर्षीय योजना थी। कौन सी थी? 10वीं पंचवर्षीय योजना थी। उद्देश्य क्या था? बागवानी के क्षेत्र में ऊंची वृद्धि दर को पाना, मानव संसाधन का विकास करना, सस्योत्तर व्यवस्था करना, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं उद्देश्य थे आपके जो राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन 2005 में स्टार्ट किया गया था। और 295 नंबर क्वेश्चन है आपका, कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना कब शुरुआत की गई थी? तो यह 1 जुलाई 2001 को स्टार्ट की गई थी। इसका जो लाभ है वो पेंशन एवं लाभ इन चीज़ों को मिलता है। ठीक है, इस योजना के माध्यम से लोगों को। ठीक है, तो ये आज का क्वेश्चन की सीरीज रही, और कल या परसों से आपको करंट अफेयर के वीडियोस भी मिलने लगेंगे, आंसर राइटिंग का वीडियो जो है अभी रात तक आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसके PDF जो है आप लोगों को UPPCS प्रारंभिक परीक्षा 2022 के ग्रुप में आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।